भारत अपने मंदिरों के रूप में सबसे पुराने और सबसे सुंदर वास्तु क्षेत्र चमत्कारों का घर है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दक्षिण भारत के अद्भुत मंदिर जो द्रविड़ वास्तुशिल्प पर आधारित है। दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहो एंड तक। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में दारसुरमिन कुंभणम शहर में निर्मित और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रदर्शन है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का वास्तुशिल्प चमत्कार, अत्यधिक जटिल और दीवारों पर मूर्तियां और चित्रों की रमणीय है। यह फिर कलाकारों के महान वास्तुशिल्प प्रतिभा की गवाही देता है। मंदिर एपिग्राफ और दुर्लभ मूर्तियों के साथ एक प्रतिकृति है जो राजा चोल के इतिहास में भाग लेती है। इस तथ्य के बावजूद कि यह मंदिर महान जीवित चोल मंदिरों के अन्य मंदिरों की तुलना में छोटा है, हालांकि इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं कि इसमें कई अधिक जटिल मूर्तियां हैं। श्रीरंगम मंदिर भगवान विष्णु के 8 आत्म प्रकट मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण है। यह भारत के 108 मुख्य विष्णु मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह मंदिर कावेरी कोलेनुम नदियों द्वारा गठित एक द्वीप पर स्थित है और 156 एकड़ जमीन में फैला है। इस मंदिर का गोपुरम जो जटिल आधार से 237 फीट ऊपर स्थित है। मंदिर में 81 मंदिर, 21 गोपुरम और 39 मंडप है। मंदिर परिसर में एक हॉल है जिसमें 1000 खंभे शामिल है। मंदिर परिसर में कई पानी के टैंक और ग्रैनरीज है। मंदिर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि मंदिर परिसर की दीवारों को हर्बल और सब्जी के रंगों का उपयोग करके उत्तम चित्रों के साथ चित्रित किया जाता है। भारत का मंदिर शहर मदुराई तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जिसे लोकप्रिय मीनाक्षी मंदिर कहा जाता है, यह मंदिर तमिलियन हिंदुओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय है। तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर यह चमत्कार भारत के सबसे पुरानों मंदिरों में से एक है। ईस्वी सन 1623 और 1655 के बीच पांड्य राजा कुलशेखर द्वारा बनाया गया। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। मंदिर आधुनिक दुनिया के साथ अजूबों के लिए शीर्ष 30 प्रत्याशियों में शामिल होने में कामयाब रहा। मीनाक्षी मंदिर मदुराई शहर का केंद्र है क्योंकि इसे प्राचीन भारतीय भवन नियमावली के अनुसार बनाया गया था, जिसे शिल्पा शास्त्र कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह इंद्र था जिसने लिंगम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था, जिसमें वह अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। यह वह जगह है कि जहां वर्तमान में मंदिर खड़ा है। मंदिर में 14 गोपुरम और 33,000 मूर्तियां हैं, जिनमें 2 स्वर्ण मूर्तियां विमान है जो गर्भगृह के ऊपर स्थित टॉवर है। दक्षिणी गोपुरम 170 फीट की ऊंचाई के साथ उन सभी में सबसे लंबा है। मंदिर के परिसर में कई हॉल है, जिनमें से एक को हजार स्तंभों के हॉल के रूप में जाना जाता है या मीनाक्षी नायक मंडप है। इसमें स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं, जिनमें से 985 में पौराणिक जीवों की छवियों को उकेरा गया है, जिन्हें यदि शिव, गणेश और बहुत कुछ कहा जाता है। यह मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित। इसकी संरचना पल्लव शासकों के द्वारा ईस्वी सन 600 में की गई थी। मंदिर का क्षेत्र 40 एकड़ में शामिल है। गोपुरम जो 172 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है, विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। थल वृक्षम मंदिर के पेड़ के नीचे शिव और कामाक्षी का एक मंदिर है जो एक आम का पेड़ है, 3,500 साल पुराना है। विजयनगर के प्राचीन शहर के कई शानदार मंदिरों में से एक विठ्ठला मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी विस्तृत नक्शीकाम और अद्वितीय वास्तुकला सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। संगीत स्तंभ और बड़े मोनोलिथिक पत्थर रथ विशेष रूप से आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है। विठ्ठला मंदिर इस क्षेत्र के सबसे आश्चर्यजनक मंदिरों और स्मारकों के रूप में माना जाता है। इंजीनियरों की असाधारण शिल्प कौशल उस समय के वास्तुकला को दिखाता है। विजयनगर कलाकारों और मूर्तिकारों की रचनात्मकता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता मंदिर परिसर में अपनी पूरी महिमा में देखी जा सकती है। द्रविड़ वास्तु शैली में निर्मित इसमें कई विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र में वास्तुकला में पाए जाते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर में एक हॉल मुख्य मंदिर से जुड़ा हुआ था। मंदिर परिसर 3 विशाल गेटवे और बढ़ती योगी दीवारों से संलग्न है। यहाँ तक कि इन छोटी संरचनाओं में भी खूबसूरती से नक्शीकाम किया गया है।
बृहदेश्वरा मंदिर एक सहस्राब्दी पहले निर्मित संभवतः महान जीवित चोल मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है। तृतीय शिवा पत्थर की अन्य मूर्तियां और नंदी की बड़ी मूर्तियां मंदिर की प्रसिद्ध विशेषताएं हैं। कई वास्तुशिल्प चमत्कार रखने वाले इस भव्य मंदिर को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। देवता का मूल नाम राजराजेश्वर था। यह मराठा था जिसने इसे बृहदेश्वर या महान ईश्वर का नाम दिया था। मुख्य मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया है। कहा जाता है कि 1,20,000 टन से भी अधिक ग्रेनाइट इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की मूर्ति एक पत्थर से बनाई गई है। मुख्य विमान जो लगभग 200 फीट पर है उसे अक्सर दक्षिणी मेरु कहा जाता है। मंदिर बनाने की प्रेरणा श्रीलंका के अपने यात्रा दौरान राजा चोलन ले आए थे और एक सपने का परिणाम है। मंदिर में राजा चोलन का एक चित्र है जो भगवान नटराजर को आज्ञा मानते हैं। यह निसंदेह शाही चित्र का पहला उदाहरण है। मंदिर में शिलालेख मंदिर के मुख्य वास्तुकार के रूप में कुंजरा मल्लान राजा पेरुंथाचन की ओर इशारा करते हैं। उनके उत्तराधिकारी इस दिन जीवित रहते हैं और वास्तु या वास्तुशास्त्र की कला का अभ्यास करते हैं। यह मंदिर पूर्वी किले त्रिवेंद्रम में स्थित है। यह हाल के दिनों में भारत के सबसे अमीर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। केरल और द्रविड़ शैली की वास्तुकला के मिश्रण के रूप में निर्मित भारत के 108 पवित्र विष्णु मंदिरों में से एक है और इसे देवता की अध्यक्षता से नाम मिलता है। दुनिया में सबसे अमीर मंदिर होने के नाते मंदिर में अपने सेलर्स के अंदर छिपी हुई संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए जेल सिक्योरिटी है जो पूरे साल 24/7 दिन सशस्त्र कमांडर भक्तों की रक्षा के लिए मंदिर की रक्षा करते हैं। भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए ड्रेस कोड बनाए रखना पड़ता है। मंदिर के सबसे पुराने खजाने पर 200 BC की तारीख है। मंदिर की सतह के नीचे 6 अलग अलग गुप्त वॉल्स के भीतर खजाना संग्रहित किया गया था। इन वॉल्स का नाम A से F तक का रखा गया है। वॉल्ट में 3.5 फुट लंबी सुनहरा भगवान महाविष्णु की मूर्ति शामिल थी जो रत्न और हीरे से सजाई गई थी। खजाने के विदेशी संग्रह में रोमन और नेपोलियन युग के सोने के सिक्के शामिल है, डच, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के, बेल्जियम पन्ना और हीरे। पुराने खजाने में और भी बहुत सी चीजें शामिल है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर को तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु का रूप कहा जाता है। यह मंदिर ईस्वी सन 300 के आसपास बनाया गया था। द्रविड़ वास्तु कला शैली में निर्मित यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह 7 पहाड़ी रेंज में साथी पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षण और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। द्रविड़ शैली निर्माण में सैंडस्टोन ग्रेनाइट का उपयोग शामिल था। मंदिर में इतिहास के विभिन्न सत्तारूढ़ प्रशासन से विभिन्न पत्थर नक्शीकाम है। लगभग 1180 एंग्रेविंग्स है। तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदुओं के बीच एक विशेष महत्व है। धर्म के अनुसार हिंदू धर्म का कहना है कि कुल 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्र है और तिरुपति उनमें से एक है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। पलानी हिल मंदिर का निर्माण एक पहाड़ी के शीर्ष के ऊपर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर एक चेरा राजा द्वारा बनाया गया था। मंदिर के सामने के मंडपम में कई सुंदर और कलात्मक मूर्तिकला शामिल है। बालकनी क्षेत्र के बाहरी पक्ष पर संरचना की तरह सौंदर्य जोड़ती है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य में स्थित इन दिनों हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे खोए हुए साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित यह 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मंदिर भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है जो विरूपेक्ष के रूप में अंदर रहता है। तुंगभद्रा नदी मंदिर के पास बहती है और इसकी पवित्रता का दर्शाती है। मंदिर के पीछे का यह अर्थ यह है कि भगवान शिव मंदिर के अंदर मिसगटित आग के साथ रहते हैं। मंदिर में एक मंदिर या पूजा का पवित्र स्थान है। एक हॉल के साथ कई खंबे और एंटी चैम्बर है। आंगन है, एक छिड़काव मठ, कुछ छोटे मंदिर और मंदिर के आसपास प्रवेश के तरीके। सभी गेटवे के बीच पूर्वी गेटवे सबसे बड़ा है। यह 9 स्तरीय और 50 मीटर की लंबाई है। यह अच्छी तरह से बनाया गया है और कुछ पिछली संरचनाएं हैं। ढांचा ईंट का है और बाहर अदालत के लिए रास्ता देने वाला बजरी आधार भी शामिल है। इस अदालत में विभिन्न उप अभयारण्य शामिल है। आंतरिक पूर्वी गोपुरम 3 मंजिला है जबकि उत्तरी गोपुरम 5 मंजिला है। विरूपक्ष मंदिर के आस
आसपास बहुत सारे मंडपम हैं। इस मंदिर के सामने मंडपम के साथ एक प्राचीन शॉपिंग सेंटर था जिसके खंडहर आज भी खड़े हैं। यह मंदिर कन्याकुमारी में स्थित है। यह एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। यह मंदिर के कुछ हिस्सों का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था तो कुछ 6वीं शताब्दी में पाया गया था। मंदिर में मिलाकर लगभग 30 मंदिर है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और मूर्तियों की अच्छी तरह से कारागिरी और कलात्मकता उत्कृष्टता की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। एक अच्छा उदाहरण 18 फुट लंबा पत्थर संगीत स्तंभ है जो एक पत्थर से बना और एक पत्थर में स्थित है। नृत्य हॉल नामक दूसरी जगह में 1035 अलंकृत खंभे हैं जो आपको वर्तनी बाध्यकारी छोड़ सकते हैं। गोपुरम 40 मीटर लंबा है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण अंजनेयर का एक विशाल पत्थर है। इस मंदिर में का नंदी भारत में सबसे बड़ी नंदियों में से एक है। यह 13 फीट लंबा, 21 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। बीच टोन्स का यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में स्थित मंदिर अपने अनंत गलियारों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर गलियारे दक्षिण और उत्तरी दिशा की ओर 400 फीट और 640 फीट के बीच में बढ़ाया जाता है। मंदिर गलियारों में 6.9 मीटर की ऊंचाई है। इसमें 1212 खंभे होते हैं। प्रभावशाली तथ्य यह है कि जब हम एक ओर से दूसरी ओर तक के गलियारे देखते हैं तो खंभे एक ही डॉट में मिलते दिखाई देते हैं जो प्राचीन तमिल राजाओं के शानदार वास्तुकला को परिभाषित करता है। ये हरकुलन खंभे रामेश्वरम मंदिर की एक मजबूत नींव बेहद सहायक है। इस मंदिर में हर स्तंभ की ऊंचाई 30 फीट है। मंदिर के अंदर 3 प्रकार के गलियारे हैं। तीसरा गलियारा सबसे बड़ा है। मंदिर असामान्य संरचना के साथ बनाया गया था कि आप सोचेंगे कि यह एक विशाल ठोस शतरंज बोर्ड है जिस पर आप इसे पहली बार देखोगे। नंदी मूर्ति की ऊंचाई 17 फीट है, चौड़ाई लगभग 12 फीट है जो ईंटों, नींबू पत्थरों और समुद्र के गोले से बना है। पश्चिम गोपुरम की ऊंचाई 78 फीट और इसमें 5 टायर शामिल है। पूर्वी गोपुरम की ऊंचाई 126 फीट है और उसमें 9 टायर शामिल है। यह माना जाता है कि शुद्ध ग्रेनाइट पत्थरों को जहाजों के माध्यम से ले जाया गया था और ईस्वी सन 1414 में पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया था। आईहोल में स्थित मंदिरों का समूह पट्टा डाकल बादामी को नक्शीदार रॉक आउटलेट ड्रेविडियन मंदिरों का रूप माना जाता है। 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच मंदिरों का निर्माण किया गया था। आईहोल को हिंदू रॉक आर्किटेक्चर के पालने के रूप में माना जाता है। पट्टा डाकल में नागरा और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। आईहोल एक बार चालुक्य राजवंश की राजधानी थी और एक समृद्ध और एक शानदार इतिहास वाला शहर है। इसमें आसपास और इसके आसपास 150 से अधिक मंदिर है। हिंदू मंदिर वास्तुकला पालने के रूप में इसका महान सांस्कृतिक महत्व है। आईहोल आसपास के पर्यटन स्थलों में दुर्गा मंदिर, लद्दाखान मंदिर, मेघूती मंदिर, रावण फादी गुफा, यूचिमल्ली मंदिर, गोड़ा मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कोंती मंदिर का समूह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।